नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं सपने में किन्नर से बात करते हुए देखना कैसा होता है, शुभ संकेत होता है या फिर अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, किन्नर कोई नई प्रजाति नहीं है और ना ही वो किसी दूसरे ग्रह के जीव हैं, फिर भी न जाने लोग उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनकी अलग से कोई दुनिया भी नहीं है, किन्नर हमारे ही घर के सदस्य हैं। दोस्तों, आप जब भी किन्नर से मिलें प्यार से बातें करनी चाहिए, क्योंकि किन्नर प्यार के भूखे होते हैं। क्योंकि किन्नर पहले से ही दुखी इंसान होते हैं, क्योंकि भगवान ने उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। दोस्तों, बात करते हैं सपने में किन्नर से बात करते हुए देखना कैसा होता है। सपन शास्त्र के अनुसार आप सपने में खुद को एक किन्नर से बात करते हुए दिखते हैं, तो ये सपना हमारे लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संकेत देता है। अशुभ संकेत ये है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में एक नई मुसीबत आने वाली है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जबकि शुभ संकेत ये है कि आने वाले दिनों में जो आपकी परेशानी होगी वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आप जिस सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको जल्द ही उस काम में सफलता मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये सपना आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं सपने में किन्नर को मनाना कैसा होता है। दोस्तों, जब हमारे घर में कोई विशेष आयोजन होता है, तो उस समय किन्नर हमारे घर में आशीर्वाद देने व दान पुण्य लेने के लिए आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, फिर भी किन्नर लोग उनसे कई हजार रुपये मांगने लग जाते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बात करते हैं सपने की। अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके घर बहुत सारे किन्नर आए हुए हैं जो ज़्यादा पैसे मांगने की जिद कर रहे हैं या आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, उस दौरान आप उन किन्नरों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे प्यार से बातें करके मना रहे हैं, तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में मुसीबत आएगी, लेकिन वो मुसीबत कुछ ही समय में अपने आप हल हो जाएगी। अब बात करते हैं सपने में किन्नर से प्यार भरी बातें करना कैसा होता है। अगर आप सपने में किन्नर से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, आप एक प्रेमी की भांति किन्नर से बात कर रहे हैं। जिस प्रकार एक प्रेमिका का जोड़ा बात करता है, उसी प्रकार बात कर रहे हैं। सपना देखने वाला व्यक्ति अगर अविवाहित इंसान है, तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपका विवाह ऐसे इंसान से होने वाला है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव का है, जिसकी कोई भी शर्त नहीं है। यही सपना अगर एक विवाहित इंसान देखता है, तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आप दोनों के बीच से प्यार बढ़ने वाला है। काम वासना प्यार की तुलना में बहुत कम होगी। इस प्रकार ये सपना भी हमारे लिए शुभ संकेत देता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि सपने में किन्नर से बातें करते हुए देखना कैसा होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।